West Bengal Governor C.V. Ananda Bose has spoken on the violence in Cooch Behar and stated that there is a growing violence in many pockets of Bengal, particularly Cooch Behar. Moreover, he also added that he will immediately ask for a report from the Chief Minister on the authority vested in the Governor under Article 167 of the Constitution. Let's in fact listen in to what he has spoken about with regards to Cooch Behar tragedy. In many pockets of Bengal, particularly Cooch Behar, I will immediately ask a report from the Chief Minister upon the authority vested in the Governor under Article 167 of the Constitution. All right. Well, of course, that's the latest that's coming in from West Bengal, where now the Governor, C.V. Ananda Bose, has issued a statement on the growing violence in many pockets of Bengal. He's specifically spoken about Cooch Behar. And in fact, my colleague Renik is with us on the broadcast to give us more details on this. Renik, if you could take our viewers through the statements that have been issued by C.V. Ananda Bose. एकदम देखिए पोस्टपोल वायलेंस को लेकर दो दिन पहले अमित मालवीय की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिस ट्वीट में दिखा जा रहा था कि कोच बिहार में एक माइनॉरिटी महिलाओं को स्ट्रिप करके नेकेट करके रस्ते में फेंक दिया गया है और उसपे बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो महिला वो बीजेपी को सपोर्ट करता था और इलेक्शन में बीजेपी का होकर प्रचार किया था मगर इलेक्शन के रिजल्ट निकलने के बाद कोच बिहार में जब बीजेपी का हार हुआ उसके बाद ही इस महिला के ऊपर अत्याचार किया गया इनको पीटा गया इनको इनको विवस्त्र किया गया और इनको रस्ते में फेंका गया और ये पूरा तस्वीर देखकर जो स्टेटमेंट अमित मालवीय की तरफ से पोस्ट किया गया था इसके इसके बाद ही फिर से एक बार पोस्टपोल वायलेंस को लेकर जो पॉलिटिक्स चालू हो चुका है मगर ये पूरा घटना को लेकर एक तरफ जब एनसीडब्ल्यू एनएचएससी और उसके साथ माइनॉरिटी सेल नेशनल माइनॉरिटी सेल की तरफ से रिपोर्ट मांगा जा रहा है उसी जगह में गवर्नर सीवी आनंद बोस की तरफ से भी ये पूरा मामले को लेकर कोच बिहार का ये पूरा मामला ये पूरा मामले को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास से रिपोर्ट मांगा गया है सीएम ममता बनर्जी को रिपोर्ट देने के लिए बोला गया है कि ये जो पोस्ट पोल वायलेंस घट रहा है पश्चिम बंगाल का हर एक पॉकेट में जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि पोस्ट पोल वायलेंस का सिलसिला में गवर्नर सीवी आनंद बोस बहुत दिन पहले से नजर बना के बैठे थे और उसके बाद ये जो कोच बिहार का घटना सामने आया टोटल कुल मिलाकर कितना पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है पोस्टपोल वायलेंस रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या क्या स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ये पोस्टपोल वायलेंस को रोकने के लिए क्या स्टेप लिया गया है पूरा रिपोर्ट ममता बनर्जी की तरफ से मांगा गया है राजभवन की तरफ से और राज्यपाल सी बी आनंद बोस की तरफ से ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि ये जो पूरा रिपोर्ट ये रिपोर्ट तीन दिन के अंदर यानी अगले हफ्ते के अंदर ही देना पड़ेगा गवर्नमेंट को और ये रिपोर्ट देखते हुए गवर्नर डिसाइड करेंगे कि क्या स्थिति है कोच बिहार का जो ये पूरा मामला ये मामला का भी जो रिपोर्ट ये रिपोर्ट भी देने के लिए बोला गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ऑलराइट ओके थैंक्स रेनिक फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट शेयरिंग ऑल दोस डिटेल्स विद आवर व्यूअर्स फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल हिट द बेल आइकन